हेलो फ्रेंड, मैं उदयमेश पंचाल रिक्शो स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लसा और गुस्सा, बहुत सारे बच्चे कॉलेज में आने के बाद भी उन्हें इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये दिक्कत ये वीडियो देखने के बाद नहीं आने वाली है। एक वीडियो देख लिया तो आप जिंदगी भर एलसीएम और एचसीएफ को नहीं भूलने वाले हैं। ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आपको एग्जाम में पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी भी स्टेटस में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्कूल कॉलेज किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ आना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। इसमें मैंने आपको ज़बरदस्त गोल्डन स्टेटमेंट भी बना के दिए हैं, वो सिर्फ दो गोल्डन स्टेटमेंट याद कर लीजिए, आपका एलसीएम और एचसीएफ हो गया ख़त्म। पहला टॉपिक हमारा एचसीएफ के बारे में, गुस्सा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि उसका फुल फॉर्म क्या है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसका आंसर उसके फुल फॉर्म में ही रहा हुआ है। जी हाँ, आपको लगेगा ये क्या बात हुई। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका फुल फॉर्म आता है तो इसका आंसर आपको आता है, ये समझ लीजिए। आप आज से ही मैथ के राजा बनने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसे गुरुत्तम सामान्य अवयव भी कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि उसका आंसर उसके फुल फॉर्म में ही है। जी हाँ, गुरुत्तम सामान्य अवयव। सबसे पहले हम फैक्टर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर फैक्टर किसे कहा जाता है, आखिर अवयव होते क्या है। बहुत बार क्लास 3 की एग्जाम में मैंने देखा है, स्कूल्स की एग्जाम में देखा है कि एक मार्क्स में आपको फैक्टर पूछ लेते कि इसके अवयव कितने होते हैं, आप गिन के बताइए। काफ़ी सारे बच्चे इसे स्किप कर देते हैं, पर ये वीडियो देखने के बाद आपको उसे स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दे रखा है कि 20 का मान लीजिए आपको फैक्टर दे रखा है कि 20 के फैक्टर कितने होते हैं, आप हमें गिन के बताइए। आपको एक बात बता दूँ, किसी भी वैल्यू का आपको फैक्टर अवयव पूछा गया हो तो वो उससे छोटे ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20 से बड़े अगर कोई भी वैल्यू को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ शेष मिलना शुरू हो जाएगी, पर किसी भी संख्या में अगर शेष मिलना शुरू हो जाए तो हम उसे उसके फैक्टर नहीं बुला सकते। ये सिंपल फंडा है। चलिए तो इसके फैक्टर क्या होते हैं ये देख लेते हैं। क्या हम एक को 20 से काट सकते हैं? निशेष जी हाँ सर, काट सकते हैं। दो को काट सकते हैं? हाँ काट सकते हैं। चार को? हाँ। पाँच को? हाँ। दस को? हाँ। बीस को? हाँ। तो कितने हो गए फैक्टर इसके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल इसके 6 फैक्टर हो गए। 20 तक ही आएंगे, 20 से ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। एक तो फैक्टर वही हो जाएगा जो हमें नंबर दे रखा है, और सारे के सारे नंबर में एक नंबर तो आने ही वाला है, यानी दो फैक्टर तो हमें फिक्स मिलने ही वाले हैं। तो 20 के फैक्टर कितने हो गए? 6 हो गए। इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि इसे कैसे ढूंढना है, फैक्टर आखिर कैसे किसे है। देखिए यहाँ पे 20 कैन बी डिवाइडेड बाय नंबर स्मॉलर देन दैट ऑल ऑफ विच आर कॉल्ड इट्स फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, 20 को हम उससे छोटी कोई भी संख्या हो उससे अगर काटे, उससे अगर हम उसका भागाकार करें, अगर हमें निशेष आंसर मिलता है, कोई भी शेष हमें नहीं मिलती है, तो उन सबको हम उसके अवयव बुलाते हैं, यानी उसके फैक्टर्स बुलाते हैं। एक एमसीक्यू की बात की थी मैंने जो क्लास 3 में और बहुत सारी स्कूल्स की एग्जाम में भी पूछा गया है। वो एमसीक्यू ऐसा था कि मान लीजिए यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 20 के आपको फैक्टर गिन के बताने हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने गिने के फैक्टर कितने हुए, 6 फैक्टर हो गए। ऑप्शन में क्या दे रखा था? ऑप्शन में 5, 6, 7, 8 दे रखा था। काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुई, प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी लोगों ने तो 5 सिलेक्ट करके आ गए। नहीं दोस्तों, आपके उसको फैक्टर आपको याद करके गिन के लिखने थे। जी हाँ, उसको गिन के लिखने थे कि टोटल उसके फैक्टर आखिर मिलते कितने हैं, तो 6 उसका आंसर आता था। ये हुई ना मज़ेदार बात। चलिए तो अब देखते हैं हम एचसीएफ के बारे में। हमने अवयव का तो देख लिया कि उसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग द आंसर टू हैविंग द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर इन बोथ नंबर। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में आपको चाहे 2 नंबर दे रखे हो, 3 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, 5 दे रखे हो, जितने चाहे दे रखे हो, आपको ये वीडियो देखने के बाद कभी भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। यानी उसका मीनिंग क्या होता है कि दोनों संख्या में, दो या कितनी भी संख्या दी हुई, दोनों संख्या में जो उसका सबसे कॉमन, सबसे जो सामान्य होता है, वो अवयव उसका आंसर होगा। और कौन सा वाला जो सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर होगा, फैक्टर होगा, वही उसका आंसर होगा। मैंने आपको आगे भी बताया कि उसके फुल फॉर्म में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पे देखिए सामान्य अवयव, कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में से जो भी कॉमन उसका आप अवयव निकाले, जो भी हमें जितने भी नंबर पूछे गए उसके आप अवयव निकाले, उसमें जो सबसे बड़ा वाला कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वाला जो कॉमन होगा, जो सारे नंबर्स में आता होगा, वो उसका आंसर। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, आपको डिफिकल्ट ना लगे ये सेंटेंस इसीलिए।
एग्जाम्पल नंबर वन मैंने आपको दे रखा है, 12 और 18 का एचसीएफ आपको निकालना है, यह हमें पूछा गया है। ऑप्शन में यह हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 12 के अगर हम फैक्टर निकालें तो कितने मिलेंगे हमें, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 मिल गए। 18 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, 1, 2, 6, 9 और 18 हो गए फैक्टर। अगर इन दोनों में हम कॉमन नंबर चूज करें तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो 6 हो गया हमारा आंसर। आपको लगेगा सर इसे तो सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, थोड़ा टाइम हमारा ज्यादा चला जाएगा, तो इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों एक आपको शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक ये है, अगर कभी भी जितने भी नंबर्स का एचसीएफ गुसा हमें पूछा जाए तो आपको याद रखना है, दिमाग में नोट कर लीजिए, गौर से सुनिएगा। जो भी ये नंबर्स होंगे उसमें जो सबसे छोटा नंबर है एचसीएफ, उससे छोटा आंसर ही आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हमें पूछा गया है क्वेश्चन में 12 और 18 का एचसीएफ, तो लिख के देता हूँ ये जो छोटी वाली वैल्यू है उससे छोटा ही आंसर आने वाला है, कभी भी उससे बड़ा आंसर नहीं आएगा। तो चलिए क्या हम इसे सॉल्व किए बिना ऑप्शन में चूज कर पाएंगे। देखिए ऑप्शन में दे रखे हैं 6, 12, 16 और 18, तो मैंने क्या कहा आंसर ये छोटी वाली जो वैल्यू जो भी होगी उससे छोटा आंसर आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, तो जी हाँ 6 आ सकता है। आगे देखते हैं 12, 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 तो हमें दे रखे हैं, 16, 16 नहीं आएगा, 12 से बड़ी वैल्यू है, 18, 18 नहीं आएगा क्योंकि 18 भी हमें दे रखे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6। जी हाँ दोस्तों, ये कमाल की ट्रिक लेके आया हूँ आपको, ऐसा पहले किसी ने नहीं सिखाया होगा। आपको छोटी वाली वैल्यू से छोटा ही ऑप्शन देखना है कि कौन सा छोटा दे रखा है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे पहले हम गोल्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। आपको यही याद रखना है, द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी यूज टू डिवाइड बोथ, कोई सबसे बड़ी वैल्यू जिससे हम उन दोनों को निशेष परफेक्ट हम काट सके, उसका परफेक्ट हम भागाकार कर सके, वही होगा उसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2, 24 और 36 का हमें एचसीएफ पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि 24 से छोटा ही आंसर आने वाला है, तो क्या एग्जाम्पल में हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 10 भी दे रखा है, 12 भी दे रखा है, 20 भी दे रखा है, 24 भी दे रखा है, तो हमें पता है कि 24 तो आएगा नहीं, 24 से छोटे ही सारे आंसर आने वाले हैं। अब आपको ऑप्शन में से क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, 10 से क्या हम 24 और 36 को निशेष हम भाग सकते हैं, जी नहीं, नहीं भाग सकते। 12 को क्या हम भाग सकते हैं, जी हाँ सर, 24 और 36 को 12 से हम भाग सकते हैं, 24 को 12 से काटेंगे तो हमें 2 मिलेगा और 36 को 12 से काटेंगे तो 3 मिलेगा। 20 को क्या हम काट सकते हैं, जी नहीं, निशेष हम उसे नहीं काट सकते, तो हमारा आंसर बन गया 12। आपको पेन पेपर की जरूरत सच में नहीं पड़ने वाली है दोस्तों, आप जरूर हैरान हो गए होंगे इस ट्रिक को देख के। आपको ऑप्शन में से ही आंसर को चूज करना है, आज के बाद आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, 20 और 30 का एचसीएफ हमें पूछा गया है। चलिए ऑप्शन में चलते हैं, क्या देखना है हमें, 20 से छोटा इसका आंसर बनेगा तो ये 20 तो नहीं आने वाला, तो अब क्या बनेगा, 5, 10 या 15 आएगा। चलिए एग्जाम्पल में ऑप्शन ए देख लेते हैं, 5 को क्या आप 20 और 30 से काट सकते हैं, जी हाँ सर काट सकते हैं, मगर 5 आपको आंसर में नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि दोस्तों उसका फुल फॉर्म याद कीजिए, हाइएस्ट फैक्टर हमें चूज करना है, यानी गुरुत्तम सबसे बड़ी वैल्यू को। 10 को क्या आप 20 और 30 से काट सकते हैं, जी हाँ तो सर काट सकते हैं, 15 को काट सकते हैं, जी नहीं सर, 30 को तो काट पाएंगे पर 20 को नहीं काट सकते, तो आंसर 5 और 10 दोनों आ रहे हैं, मगर हमें बड़ा वाला चूज करना है क्योंकि उसका आंसर क्या बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारा आंसर बन गया 10। दोस्तों कमाल की धमाकेदार ट्रिक है, इसे इस्तेमाल करके एग्जाम क्रैक करके मुझे जरूर आप पर्सनल मैसेज करके बताएं कि सर मैं एग्जाम क्रैक कर ली है आपके वीडियोस देखकर। चलिए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके मुझे ऐसे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप। चलिए अब देखते हैं एलसीएम के बारे में कि लसा आखिर कैसे 2 सेकंड के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, उसका फुल फॉर्म बनता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट यानी सबसे छोटा, लघुत्तम सामान्य अवयवी, सबसे छोटा। गुसा में क्या था सबसे बड़ा, हाईएस्ट फैक्टर, और लसा में क्या था सबसे छोटा, कॉमन फैक्टर नहीं है दोस्तों, याद रखना ये मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स से अवयवी कहा जाता है उसे, हम उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, मैं नहीं चाहता आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स रह जाए, पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर रखा है।
चलिए तो सबसे पहले मल्टीपल्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर अवयवी किसे कहा जाता है। तो मैंने उसके लिए एक सेंटेंस बना रखा है सबसे इजी वाला कि द टेबल ऑफ एनी नंबर इज ऑल फैक्टर ऑफ दैट नंबर। किसी भी संख्या का जो टेबल होता है, जो गड़िया होता है, वो ही उसके सारे के सारे अवयवी कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है कि मान लीजिए आपको 10 का अवयवी पूछा गया हो तो क्या बनेगा। उसका टेबल लिखना शुरू कर दीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60 कब तक आएगा तो उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो वैल्यू इन्फिनिटिव है। जी हाँ दोस्तों, ये वैल्यू का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके मल्टीपल्स तो कभी रुकने ही नहीं वाले हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया हो कि 10 के अवयवी लिखिए, हमें बताइए कि क्या होता है, या तो उसके मल्टीपल्स बताइए, तो ऑप्शन में आपको क्या चूज करना है? इन्फिनिटिव चूज करना है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू बनती नहीं है। तो हो गया हमारा अवयवी वाला क्लियर। अब देखते हैं लसा के बारे में कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए आपको 12 और 18 का एलसीएम पूछा गया है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आपको क्या करना है। मैं इसके आपके दो ट्रिक बताने वाला हूँ कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ट्रिक नंबर 1, 12 का टेबल लिखना शुरू कर दीजिए, 12 एक 12 24 36, 18 एक 18 36। जब ये मैच हो जाए तो वो उसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, जब ये मैच हो जाए तो ये उसका आंसर। देखिए यहाँ पे मैच हो गया, वही उसका आंसर, तो 36 हमारा आंसर बन गया। हाँ दोस्तों, यही ट्रिक नंबर 1 है हमारी। चलिए तो ट्रिक नंबर 2 बता देता हूँ। ट्रिक नंबर 2 में आपको क्या करना है, सिंपल, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप दिमाग में ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक नंबर 1 में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू है उसे आपको छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है। जी हाँ, छोटी वाली वैल्यू से आपको उसका भागाकार कर देना है। आपको चेक करना है कि क्या इसे निशेष हम भाग सकते हैं, तो वो उसका आंसर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं, 18 को 12 से काटते हैं, क्या कटेगा? जी नहीं सर, 12 से तो 18 को हम नहीं काट सकते। तो हमें क्या करना है, 18 का टेबल याद करना है, 18 दू क्या होता है, 36। अब देखिए कि 36 को क्या 12 से निशेष हम काट सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 36 को हम 12 से निशेष काट सकते हैं, तो आंसर हमारा बन जाएगा 36। या दोस्तों कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है इसको। दो ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक रही ये, दूसरे ट्रिक में तो आपको इसे भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। गोल्डन स्टेटमेंट मैंने आपको दे रखा है, लाइन टू लाइन चलना है दोस्तों। सबसे छोटे एक से शुरू करेंगे, यानी टेबल एक से शुरू करेंगे, 12 एक 12 दू 24 36, 18 एक 18 दू 36 36 हो गया हमारा आंसर। इसके लिए आपका टेबल मेमोराइज जबरदस्त होना चाहिए, अगर नहीं है तो शुरू कर दीजिए आज से टेबल को याद करना। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। 20 और 25 का हमें एलसीएम पूछा गया है। सबसे पहले हम ये मेथड से सॉल्व करते हैं। 20 का टेबल याद कीजिए, 20 40 60 80 100, आप इसे दिमाग में भी कर सकते हैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 का टेबल शुरू कीजिए, 25 50 75 100, तो क्या मैच हो रहा है, 100 हो रहा है, 100 बन गया इसका आंसर। ट्रिक नंबर 2 भी देख लेते हैं कि इससे क्या हम पहली ट्रिक से भी कम वक्त में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना था, सबसे बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है और चेक करना है नीचे से हम इसे काट सकते हैं या नहीं। तो 25 को क्या 20 से काट सकते हैं? जी नहीं, हमें शेष मिलेगी, जीरो शेष नहीं आने वाली है। 25 का टेबल बोलना शुरू करिए, 50 को काट सकते हैं? नहीं। क्या 75 को काट सकते हैं? नहीं। क्या 100 को काट सकते हैं? जी हाँ, 100 को हम 20 से निशेष काट सकते हैं। दोस्तों इससे आपको आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप ट्रिक नंबर 2 का ही इस्तेमाल कीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। हमें पूछा गया 10 और 15 का एलसीएम निकालना है। चलिए अब ट्रिक नंबर 2 ही देख लेते हैं डायरेक्ट कि कैसे सॉल्व करेंगे। 15 को क्या हम 10 से काट सकते हैं? निशेष। जी नहीं, हमें शेष मिलेगी। तो आगे चलते हैं, 15 दू क्या होते हैं, 30 होते हैं, 30 को क्या हम 10 से निशेष काट सकते हैं? जी हाँ सर, तो 30 हो गया हमारा आंसर। ये हो गया सिंपल फॉर्मेट। एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने ज्यादा वैल्यू दे रखी है, अब तक हमने सिर्फ 2 संख्या के ही एग्जाम्पल देखे। अब हम देखेंगे अगर हमें इतने 3 नंबर दे रखे हो, यानी 6 12 और 24 दे रखे, इसका एलसीएम पूछा गया है, तो यहाँ पे मैंने देखिए दोस्तों डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। आप भी ऐसे डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर देंगे। चलिए तो देखते हैं हमारे ट्रिक नंबर 2। सबसे बड़ी वैल्यू को हमें छोटी सारी की सारी वैल्यू से डिवाइड करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर भी दे रखे हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। चलिए तो देखते हैं 24 को हमें क्या करना है, 12 और 6 से काटना है। क्या 6 को हम 24 से निशेष काट सकते हैं? जी हाँ काट सकते हैं। 12 को हम निशेष काट सकते हैं? जी हाँ काट सकते हैं। तो क्या बन गया, 24 हमारा आंसर, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। हो गया ना सिंपल। दोस्तों एलसीएम में एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने
पांचवे एग्जाम्पल में कवर कर रखी है। बहुत बार ये पूछा जाता है और काफी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होके इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसमें आंसर क्या आ सकता है। तो मैंने ये भी कवर कर रखा है आपके लिए। यहाँ पे देखिए पूछा गया है 15 और 19 का एलसीएम। काफी सारे स्टूडेंट इसे डूबते रहते हैं कि आखिर 15 और 19 का क्या एलसीएम आएगा क्या आएगा। पर दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, आप 1 से शुरू करेंगे 1000 तक भी जाएंगे ना, 1000 तक, 1000 नहीं लाख करोड़ तक भी जाएंगे, फिर भी आपको इसका कोई एलसीएम नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका एलसीएम वही होता है जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। दोस्तों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 19 और 15 को हम कितना भी मल्टीप्लाई कर दे तो उसका कभी भी डिवीजन नहीं होगा, कभी भी उसका भागाकार हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें सिंपल उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन करके जो भी हमें वैल्यू मिलती है, यहाँ पे हमें 285 मिला, तो वो बन जाएगा उसका आंसर। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अविभाज्य संख्या भी जिसे हम बुलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं काट सकेंगे। तो हमें सिंपल अगर ऐसा कोई एलसीएम पूछा जाए तो हम क्या लिख देंगे? 285, यानी उन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसे हम आंसर में लिख देंगे, और उन्हें क्या कहा जाता है? तो प्राइम नंबर्स कहा जाता है। दोस्तों एक और एमसीक्यू मैं आपका कवर करने वाला हूँ कि एग्जाम में प्राइम नंबर्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार मैंने देखा है कि पूछा गया है कि नीचे दिए हुए कौन से प्राइम नंबर्स है, तो ऑप्शन में आपको ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो उन्हें चूज करना है प्राइम नंबर के तौर पे। आपको सिर्फ यही देखना है कि कौन से दो नंबर एक दूसरे से नहीं कट सकते, वही हो जाएंगे उसके प्राइम नंबर। तो ये एक और बात मजेदार मैंने आपको इसी वीडियो में लाकर दी है। चलिए तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सारे एलसीएम के एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं, और इसके आंसर मुझे अभी के अभी 10 सेकेंड के अंदर सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर चाहिए। दोस्तों अगर आपको मेरी ट्रिक मज़ेदार लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे आपके लिए, अगर आप गुजराती मीडियम से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो मुझे आप दोनों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर इसके आंसर बताइए, और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि आप ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम आप चुटकियों में पास कर सकेंगे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया।